हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में दो तीन टॉपिक में चूज करके रखा है। इस टॉपिक को मैं बताऊँगा, बुर का छेद कितना गहरा रहता है और कितना लंबा लिंग से आप अपने पत्नी को संतुष्ट कर सकते हैं, यही सब बात मैं बताऊँगा। और हस्तमैथुन करने का कितना सारा नुकसान है, आप मैं छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर आपको बता दूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, बुर में कब हाथ डालना पड़ता है, बुर में कब हाथ घुसाना पड़ता है, इसी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूँ, छोटे लिंग होने का कितना सारा नुकसान है। तो फ्रेंड्स, छोटे लिंग अगर आपका है, छोटा हो गया है, हस्तमैथुन किए हो या फिर नहीं किए हो, तो अगर आप हस्तमैथुन कर पहले किया है और आपका लिंग टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा होने वजह से आप शादी हो गए हैं और आपको दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसका इलाज फटाफट कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पत्नी है बहुत दूसरे से संबंध बना सकती है और इससे आपका बहुत सारा नुकसान होगा, परिवार फैमिली बिगड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है, इस आप हस्तमैथुन रोक दीजिए। हस्तमैथुन जितना आप रोकेंगे उतना आपका वीर्य बनेगा और उससे आपका बहुत सारा हेल्प होगा, जैसे आप बहुत जल्द संतान पैदा कर सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा बना सकते हैं और इससे बहुत सारा लाभ होता है, जैसे स्किन ग्लोइंग होता है और ताकत आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप इसको सेव करेंगे तो आपका बहुत सारा फायदा मिलेगा। और दूसरा जो टॉपिक है, इसमें बताऊँगा बुर में कब हाथ डालते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चा होने के बाद में बच्चा जब हो जाता है तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नसबंदी कराते हैं, तो मर्द जो होते हैं उनका नसबंदी हो जाता है, तो नसबंदी करा लेते हैं। और किसी औरत का दूसरा कुछ होता है, उतना मुझे पता नहीं है मगर उनका जो बूढ़ है उसमें हाथ डालकर कुछ ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, तो ऑपरेशन करने की वजह से वहाँ पे बच्चा पैदा नहीं होता है, तो ये वहाँ पे सर्जरी मेथड से यूज़ करके वहाँ पे बच्चा जो बनता है उसको रोक देते हैं। तो आप YouTube में देख सकते हैं, सर्च करके, कि बुर में कब हाथ डालते हैं। तो यही बात मैं बताना चाहता था कि बुर में कब हाथ डालते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, तो और इसमें बताऊँगा, और अब मैं बताऊंगा, अगर आपका लिंग बहुत ही छोटा है तो आप इसको लंबा कर लीजिए और ऑयल वगैरह यूज़ करके आप इसको सही कर लीजिए, नहीं तो शादी के बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और हो जाता है। तो जिनको पता नहीं है वो अमेजन में जाकर सर्च कर लेंगे लिंग बढ़ाने का तेल, तो वहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऑयल सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर आप परचेस कर लीजिए और आपका जो औजार है उसको आप सही कर लीजिए, ताकि दोनों आदमी को संतुष्ट मिल सके और किसी में झगड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलता है तो रोज़ दरबार झगड़ा होता है, तो इससे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है, और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि औरत का स्तन और गांठ क्यों हो जाता है, तो फ्रेंड्स, शादी होने के बाद में आप जब संभोग करते हैं तो संभोग होने के बाद में बहुत सारा ऊर्जा खर्च होता है, और खर्च होने की वजह से वहाँ पर उनका जो हिप से वो बाहर की तरफ आ जाता है, और वहाँ पे अंदर में जो बच्चा जो बनता है अंदर में, उस बच्चे के लिए अंदर में दूध इकट्ठा होता है, और वह दूध जब इकट्ठा हो जाता है स्तन में, तो वहाँ पे जो ब्रस्ट है वो फूल जाता है, और दूध इकट्ठा होने की वजह से, तो यही सब कारण है ब्रस्ट फूल जाने की, और हिप्स जो है वो अंदर निकल जाता है, तो यही सब कारण है। आज का ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।